वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा दूसरा दिन है ट्रेन में। हमें इस टाइम जो है 13 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए, लेकिन अभी हमारा स्टिल 1 घंटा और रहता है क्योंकि हमारी ट्रेन जो है पहले 40 मिनट लेट हुई, फिर 2 घंटे लेट हो गई है। और अभी हम लोग उतरे हैं थोड़ा सा यहाँ पर रहीमेर खान के स्टेशन पे। मज़ा आ रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। बस अभी हम लोग 1 घंटे में जो है खानपुर पहुँच जाएंगे, तो नागे से हमें सफ़र करना है। शाहरुख कैसा लग रहा है? और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या, ये देखो पहले निकल रहा था, अभी निकल रहा है। और अभी बस हमने जो है आधे घंटे में पहुँच जाना, तो मैंने कहा अपना फेस वॉश वगैरह जो है सब चीज़ें कर लेती हूँ कि मेरे बूथे की हालत फिलहाल कुछ ऐसे हो रही है, इसको ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद आप लोग के सामने आता हूँ। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग बस जाएंगे। आने में बस 10 से 15 मिनट है खानपुर आने में, और तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है। शाहरुख ने जो है बैग निकाल लिया है, बस अभी हम लोग भी जाने लगे हैं। तो अभी हम लोग फाइनली खानपुर पहुँच चुके हैं और अभी मुँह से धुएं निकल रहे हैं, पहले नहीं निकल रहा था। और हमने यहाँ से करवाया है ऑटो, हमें पड़ा है 1000 पे। और अगर कार का बोले थे वो कह रहे हैं 1600 रुपये। बस अभी वहाँ पे भी डन हो गए थे, लेकिन बस अभी यहाँ पर उन्होंने भाई ने बताया कि रोड जो है बिल्कुल न्यू बनी है तो मस्ता नहीं होगा हमें बैठने में। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, यहाँ पर अब्बू जो है चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह की चाय नोश फरमा रहे हैं। शबाज भाई खड़े हैं, बदख बैठी हुई है। बदख आपकी है? बदख नहीं, बहुत से फारम फारम है वो, ये मेरे जितना फारम बना है। कहाँ पर हमें डकी भाई मिला? कहाँ है ये खरगोश का है? और हमारा सुबह का नाश्ता है मजेदार से छोले चावल। शाहरुख तुम्हें कैसे लग रहे हैं? तो मुझे भी बहुत मजे के लग रहे हैं। और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। ये मेरी आपा जो है ना, मुझे जितना हंसबे तौफिक तपड़े मार लेती है, उसको लगता है मैं सुनो वीडियो में ले लिया लिया तो नहीं है ऐसे मुझे शक रहता है, मतलब शक। और ये खा रहा है यहाँ पे अमरूद, वो खड़ा हुआ अमरूद वाला बाहर, खड़ा हुआ अमरूद वाला बाहर, जिसको बुला करो मुझे पीना है, मुझे भी रहना, क्योंकि ये वो वाला अंकल है जो हम सब हमेशा पहले जब हम लोग यहाँ पर रहते थे तब ले लिया करते थे। शाहरुख अमरूद वाले को रोकना, पता है ये कौन सा वाला अमरूद वाला हम पहले लिया करते थे? भाई ये 100 रुपये कर दे, 50-50 के अलग अलग जगह। तो तकरीबन 4 साल के बाद, नहीं 3.5 साल के बाद मैं फिर इन अंकल से ले रही हूँ। अंकल तो याद है मैं तेरी गुल गिन दिया हम पहले, ओ बे घर चांद ऐसे, ओ अमरूद हमेशा गिन दिया से। अच्छा सो गाइस, शाहरुख अजमली मेरे लिए कंटेंट, इधर आ जाओ दिल तराशा। और ये देखो ये 100 रुपए के कितने साल है, मसाल डलवा है ना, सही है ये सुमेरा के सामने पेश कर दो। और हमारे मजेदार से जो है अमरूद आ चुके हैं, और ये हमें ना 100 रुपए के इतने ज्यादा दिए हैं ना अबू, अबू तो कह रहे थे घर खाली करवाते हो यहीं पर रह जाओ। और अभी फादिया और जो है बच्चे जो है इसको मुर्गियों को खरम डाल रहे हैं। ये हमारी वो वाली मुर्गी है जो हमारी कराची में थी। और अभी अम्मा आई है मुझसे मिलने के लिए। कैसी हो अम्मा आप, कैसे गुजर रहे हैं यहाँ पे दिन? अभी अम्मी जो है, मेरी अम्मी जो है अपनी अम्मी के पास है, मुझे पता है अपनी अम्मी के पास कितना अच्छा लगता है ना। अभी आप गुजार लो अच्छे दिन, मैं तो कहते अच्छे अच्छे दिन गुजारो, फिर हम लोग वैसे वापस आप अकेले हो जाते हैं, है ना अम्मा? सो गाइज, ये रात का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना किसी पार्टी में है। सही है, पार्टी नहीं चल रही होती वैसे, इतना गाइस इतना शोर है। जी अबू पार्टी हैप्पी है, आप भी हक फरमा रहे हैं अबू, हैप्पी 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 पार्टी है, हैप्पी पार्टी हमारी कार है, ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। बड़ा कोई ठंडा सा जोक मारा है मेरे। तो अभी हम लोग खा रहे हैं मजेदार सा साग। साग इज आर वेरी 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 फेवरेट थिंग इन विंटर। और पीछे जितने भी आवाज आ रही है प्लीज उसके साथ आप लोग को सर्वाइव करना। आ तो चुकी है और मैं आप लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई देती हूँ, दिखेगा इसलिए मैं अभी तो कम मैं सुबह दिखी
और आप लोग को एक बात बतानी थी। आज जो है मीर साहब की तबीयत इतनी खराब, कैब इसने उतार के अभी ये देखे जो फेंकी है, अब इसको सब नहीं ओ छोड़ो। मैं आप लोग बताती हूँ आज हुआ क्या। ये ना आराम से ना सुमरस को बुखार था, सुमरस को धूप में लेके ना काफी देर से बैठी, मतलब 2-3 घंटे से सुमरस को धूप में लेके बैठी हुई थी, तो अचानक से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, मतलब इसको बुखार जिसके सर पे चढ़ गया। और हम सब घर वाले अचानक ही कहते देखो इसको क्या हो रहा है ना, हम लोग इतना डर गए कि ना सब घर वाले, मैं और सुमेरा आपा ये सब रोने लग गए, चाचू अनवर ये सब इतना रोने लगे, क्योंकि हम सबको ये बहुत प्यारा है, ये ही नहीं सब बच्चे सबको बहुत प्यारे होते हैं। तो आज का दिन जब मैं आई ना तब समझ में नहीं आता, सब इतना रोए रोए, और फर्स्ट डे ही हमारे साथ आज ये हुआ है। खैर अल्लाह करे आगे मीर ठीक रहे, आप सब लोग मीर के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। ये छोटा सा इसको ना बस क्या करें, इसको अक्सर इसकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से। सो अभी हमारे पास आ चुकी है इस ठंडे से मौसम में गरम गरम चाय। आज तो गाइस शाहरुख अजमल भी चाय नोश फरमा रहे हैं, शाहरुख जरूर पिए बड़े से कप में छोटी सी चाय, क्योंकि हम लोग चाय कम पीते हैं असल में। सो गाइस अभी हम लोग बस, मैं सो ही रही थी अचानक मैंने देखी लाश, टेडी बेयर की लाश, जो कि हमारी हवा रोकने के लिए यहाँ पे तकरीबन जगहों पे ऐसे जो है हॉल्स हैं, लेकिन इस जगह पे टेडी बेयर की लाश लटक रही है। तो भाई इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है ना, ये हमने जो पंजाब में ना इसे कहते हैं वो कंबल की जगह ये होती है, तो पास है इसके अंदर, और ये अभी इसमें भी मुझे ठंड लग रही है, वो आपको बता सकती कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बस चपकी थी कंबल में गुड नाइट। और रात का टाइम में भी मसला ये हुआ कि ना नीलम की कॉल आई थी, तब तो वो कह रही थी कि इसको दूध पिला रहे थे, उसने कहा पे पिला के देखते हैं ना, मुझसे तो भी खैर बात ही नहीं हो रही। उसने बोला कि ना वो पोटी कर रहा है, अभी 28 आवर्स हो गए हैं, ना वो पोटी कर रहा है ना वो खाना खा रहा है, और वो सर पे तो हाथ लगाने दे रहा है लेकिन नीचे हाथ लगाने पर बहुत ज़्यादा मारा है, और उसने मैक को भी काफ़ी मारा है। तो अभी रमज़ान को भेजा और हमें कोई और मिल नहीं रहा था, मोहम्मद दीम सो रहे हैं, मतलब कोई दो लोग हाँ, अभी रमज़ान जा रहा है उसको लेके हॉस्पिटल, अपने फूड पांडा के बैग में केरा लेके जाएगा, हम लोग बात करेंगे डॉक्टर से, अब अल्लाह करे उसकी बेहतरी के, सब भी उठ के हम लोग, मैं तो अबू उठ के परेशान में बैठे, ये तो हम लोगों ने कहा कि चलो वहाँ पे जाके, मतलब नई जगह है ना तो वहाँ पे थोड़ा इसलिए खाना नहीं खा रहे, लेकिन पोटी भी फिर पोटी भी नहीं कर, इसको कोई मसला है तो वही बस कोई दर्द वगैरह, एक्सरे वगैरह पहले भी करवाया था, फिर से जाके चेक करवाते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल ना दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, छोटा सा इतना बड़ा है नहीं, 8 से 9 महीने का है, तो खैर देखते हैं अगर वो हुआ सही नहीं तो फिर हम लोग चले जाएंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे अब। अच्छा तो भाई आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। बाकी अभी रमज़ान जो है वो बिल्ली को लेकर निकल गया, और बहुत अच्छा है कि रमज़ान वहाँ पर है, वो लेकर चला गया, अब देखते हैं कल क्या होता है, अभी न्यूज़ हमें बताएगा कि क्या हुआ तो कल आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है सर भाई एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।